हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपके साथ मजडोलस की डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम May 19 के लिए है। कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे, सर क्या नवंबर में इसे फॉलो कर सकते हैं? सर, कर सकते हो। 99% सेम ही रहती है मजडोलस। ठीक है सर, ये मजडोलस है क्या? हम पहली बार आपका चैनल देख रहे हैं, आप हमें बताएंगे इसका मतलब क्या है? सर, थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिएगा। मस्ट डू लिस्ट एक्चुअली में है क्या? कुछ बच्चे कहते हैं, सर आप तो लास्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चन देते हो, पीएम में से देते हो ओल्ड सिलेबस वालों को। कुछ बोलते हैं कि सर आप स्टडी मेट से क्वेश्चन देते हो, जो न्यू सिलेबस वाले। भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन ना दूँ तो कहाँ से दूँ? ICIB तो यहीं से पूछता है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको घुमा घुमा के ये बताऊं कि पास कैसे करना है। अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि यार यही कर लो पास हो जाओगे, तो डायरेक्टली ये कर लो ना आप। सर, मस्ट डू लिस्ट क्वेश्चन क्या है? सर देखो, मस्ट डू लिस्ट का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में कैसे आया था कि ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो। ठीक है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट आपके कवर्ड हो जाए, मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपके कवर्ड हो जाए। ठीक है, वैराइटीज़ जितनी ICIB पूछता है वो कवर्ड हो जाए। तो उसी के लिए मैंने उन बच्चों के लिए, जो कि क्लासेस नहीं ले पाते हैं या लिए हुए बहुत दिन हो गए, एक मजदूर इसका कॉन्सेप्ट बनाया कि भैया इसे कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो जाओगे कि आप 60 to 80 जो है वो क्रॉस कर लोगे। सर, हमने ना किसी और टीचर की क्लास कर रखी है, क्या हम आपके मजदूर लिस्ट करें? सर, आपने किसी और टीचर की क्लास कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें ही फॉलो करो। ये उनके लिए हैं जिन्हें एक होप की ज़रूरत है। कुछ बच्चे होते हैं सर, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में ये उन्हें दिक्कत आती है कि क्या पढ़ के जाएँ क्या ना पढ़ के जाएँ। तो उनके लिए मस्ट डू लिस्ट है कि भैया ये करके चले जाओ, आप डेफिनेटली 60 to 80 जो है वो ले आओगे। सर, इस बार तो रैंक 10 भी आ गई है हमारे ग्रुप की। ठीक है, मतलब हमारी फैमिली मेम्बर, सर मैं अपने बच्चों को फैमिली मेम्बर ही कहता हूँ, स्टूडेंट नहीं कहता, क्योंकि सर वो मेरी फैमिली का पार्ट हो जाते हैं। तो सर, जब बच्चों की रैंक 10 तक आ सकती है, तो आप मजदूलिस करके 60 80 नहीं ला सकते? डेफिनेटली करके जाना सर। और यही कहूँगा, एक छोटी सी बात और इसको बताने से पहले, कि सर इसको कैसे करना है। अगर आपको 60+ मार्क्स चाहिए तो इस मजदूलिस को 3 to 3 times करके जाना। ठीक है, 3 times। और अगर आपको 80+ में चाहिए तो सर इसको 5 times करके जाना। अभी आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो नहीं करते हो। ठीक है सर, और इसी का मैंने एक अल्टरनेटिव बना रखा है, मजदूलिस का ही अल्टरनेटिव। और मैंने एक पेन ड्राइव अभी, या पेन ड्राइव कह लो या फिर गूगल ड्राइव कह लो, अभी इशू की थी उसके, इसको लेके मजदूर लिस्ट को लेके मैंने एक बुक बनाई थी अभी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने, आई थिंक 200+ बच्चों ने इसको परचेस किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये कहूँगा कि 0.01% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दिक्कत आई, अदरवाइज सबका बहुत परफेक्टली गया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसको लेके। ठीक है सर, आप या तो ये मजदूर लिस्ट कर लेना या तो ये पेन ड्राइव लेके कर लेना। सर, सिर्फ बुक मत परचेज करना, क्योंकि बुक में सॉल्यूशन नहीं है। मैं सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो अपनी पेन ड्राइव के ही अंदर, वीडियोस के अंदर ही सॉल्व करवाता हूँ सर। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन एक बार आप करके जाना। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, आप कुछ खरीदो मत खरीदो, आप परचेस करो मत करो, एक ही रिक्वेस्ट है सर, एक रिक्वेस्ट। आपका कॉस्टिंग हंसते हुए सर पास होगा, और उसकी एक ही रिक्वेस्ट है सर कि 100% जो मैं करवा रहा हूँ वो करके जाना। ठीक है, ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड सिलेबस। सर, ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 13 में आपको क्वेश्चन नंबर 13, 12, 8, 6 and 4 करके जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में आपको 3, 6, 9, 15, 17, 20, 21 है। चैप्टर नंबर 11 में आपका 15, 13, 11, 5, 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में 2, 7, 9 and 5 है। चैप्टर नंबर 9 में आपका 11, 17, 12, 11, 4, 15 है। चैप्टर नंबर 8 में आपका 13, 12, 8, 6 and 5 है। चैप्टर नंबर 7 में आपको 15, 13, 8, 4, 1, 2 करना है। चैप्टर नंबर 6 में 1 and 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बस ऑडिट करके जाना है, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका नन इंटीग्रल और इंटीग्रल के ऊपर है। इसमें नन इंटीग्रल के ऊपर 3 क्वेश्चन है, इंटीग्रल के ऊपर 3 क्वेश्चन है। जब आप एग्ज़ाम में करने जाना तो सिर्फ वन वन पिक कर लेना, हो जाएगा। फिलहाल जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये 3 क्वेश्चन देख के जाना आप। चैप्टर नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 16, 14, 13, 10, 12, 6, 8, 21 करना है। चैप्टर नंबर 3 में आपको 26, 27, 24, 21, 18, 18, 18 के बाद 10, 9, 5, 7, 2 and 3 करना है। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 2 में 27, 26, 20, 19, 17, 15, 10, 7, 5, 4, 1 ये करना है। ठीक है सर, ये मैंने आपकी पूरी मस्ट डू लिस्ट ओल्ड सिलेबस की बता दी। सर एक चीज़ बता दूँ, दो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
कुछ नासमझ बच्चे होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, अप्रैल 16 का एडिशन फॉलो करना है सर, ठीक है सर। उसके बाद वाला है तो बाद वाला करो, पहले वाला है तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट ये आपके पास होना चाहिए सर। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा के लिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। देख लेना, आज की डेट फॉलो करना। अब आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके बोलो सर पीएम दे दो, अब रोज 1000 बच्चे मैसेज करें सर पीएम दे दो, तो सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डेट आज की मेंशन करके देख लेना, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उसकी शाम तक ही होगा तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास अप्रैल 16 का ही है तो आप वहाँ से कर लेना, उसके बाद वाला ऑनवर्ड हो तो उससे कर लेना, हो जाएगा। सारे रीप्रिंट है सर, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया, किसी में कुछ चेंज नहीं था। और सर दूसरी बात, आपके पीएम में दो पोर्शन है, पार्ट ए है जो कि थ्योरी को इंडिकेट करता है, जो कि आप सारी पढ़ के जाएंगे। पार्ट बी जो है वो आपका प्रैक्टिकल को इंडिकेट करता है। तो भैया प्रैक्टिकल वाला जो है पोर्शन वो आपको क्या करना है, उसमें से मैंने मजदूलिस दी है, ठीक है। आप आधे बच्चे यही क्वेश्चन करते हैं सर पार्ट ए में से करें पार्ट बी में से करें। सर एक चीज़ बोलूँ मैं, बुरा मत मानना, सीए में कुछ बच्चे होते हैं जिनका कॉमन सेंस नहीं होता सर, लिटरली। आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसी डिग्री लेने जा रहे हो जो वर्ल्ड की टफेस्ट कोर्स में माना जाता है, वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स, ठीक है। तो मैं, मुझे क्या लगता है ना, एक ना जिसके तो दूध के दांत भी अभी नहीं झड़े, वही वाला हाल हो जाता है कि आप लोग आईसीआई से भिड़ने जा रहे हो, भिड़ने इन द सेंस कि आप उसका एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हो, और आपको ना तो नॉलेज है, ना तो स्किल है, ना तो विल है, ना नॉलेज है सर, बुरा बोल रहा हूँ लेकिन काम आएगा, ना स्किल है ना विल है सर, ऐसे नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए चार चीज़ों की जरूरत होती है, लक, LUCK। L मतलब होता है लेबर, U मतलब अंडर, C मतलब करेक्ट, K मतलब नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, मतलब जब तक आप सही दिशा में काम नहीं करेंगे ना सर, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। आपको स्मार्ट बनना होगा सर। स्मार्ट कौन होते हैं सर? वो लोग होते हैं जो सिचुएशन देख के समझ जाए कि मुझे क्या करना है। सर नर्वस मत हुआ कीजिए, आप लोग जरूर से ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं सर एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम क्लियर करना बड़ी बात नहीं है, आपको सही नॉलेज लेके जाना बड़ी बात है। नॉलेज होनी चाहिए सर, नॉलेज के बाद स्किल आएगी, स्किल आएगी प्रैक्टिस से, जो आपने सीखा है उसको टेस्ट वगैरह दो के कंप्लीट करो। और आपके अंदर विल होनी चाहिए सर कि मैं हर हाल में करूंगा। विल क्या होगी, हर नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में आपको लड़ने की पावर देगी सर, यू हैव योर विल। जब तक आपके पास विल नहीं है सर आपको दिक्कत आएगी। जिस दिन आपकी विल स्ट्रांग हो गई ना सर, आप ऐसे ही क्या सर, दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे, दुनिया की कोई भी सिचुएशंस को आप ओवरकम कर लोगे, ठीक है सर। तो ये छोटी सी बातें थी, मैंने आपको बता दी। अब सर न्यू सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। न्यू सिलेबस में सर चैप्टर 2 इलस्ट्रेशन 11974 और टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चन में 2456। चैप्टर नंबर 3 में इलस्ट्रेशन 24, 23, 20, 16, 8, 7, 5, 4 और पास्ट ईयर क्वेश्चन 3 एंड 1। चैप्टर नंबर 4 में इलस्ट्रेशन 10, 9, 7, 6, 5, टेस्ट या नॉलेज में 3, 4, 2, 1, 9, 11। उसके बबाद चैप्टर नंबर 5 में इलस्ट्रेशन 3 to 1 और टेस्ट योर नॉलेज में 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 6 में इलस्ट्रेशन 2, ठीक है सर, और टेस्ट योर नॉलेज में आपका है क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 7 में इलस्ट्रेशन 10, 8, 5, 3, टेस्ट योर नॉलेज में 6, 4, 2। चैप्टर नंबर 8 में इलस्ट्रेशन 7, 4, 2, टेस्ट योर नॉलेज में 1, 2, 3। चैप्टर नंबर 9 में इलस्ट्रेशन नंबर 6, 5, टेस्ट योर नॉलेज में 4, 3, 2, 1। चैप्टर नंबर 10 में इलस्ट्रेशन 6, 3, 2 और टेस्ट नॉलेज में 3, 2, 1। चैप्टर नंबर 11 में इलस्ट्रेशन 4 एंड 2, टेस्ट नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 12 में 10, 9, 8, 7, 6, 5, टेस्ट नॉलेज में 2 एंड 3। चैप्टर नंबर 13 में इलस्ट्रेशन 6, 5 और टेस्ट नॉलेज में 10, 9, 6, 3, 2। चैप्टर नंबर 14 में इलस्ट्रेशन नंबर 13, 12, 9, 5, 1, टेस्ट नॉलेज में 15, 16, 17, 10, 11, 6 एंड 9, 2, 1। चैप्टर नंबर 15 में 7, 5, 3, टेस्ट नॉलेज में 5, 4, 3, 2, 1। सर ओवरऑल मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं ये 80 to 100 है सर। जब आप अभी फर्स्ट टाइम करोगे सर तो ये इतने 100% करने हैं। अगर आपने कोई पेन ड्राइव मेरी नहीं ली, किसी और की क्लास नहीं ली, तो अगर आपने कर रखी है तो आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। जब आप सेकेंड रिविजन करोगे सर तो इन्हीं क्वेश्चन में सिलेक्शन कम कर देना, ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए 50 to 70। और जब लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो सर ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके 30 to 50, ठीक है सर। इतने क्वेश्चन करके चले जाओ सर, बहुत है। मेरी भी जो बच्चे पेन ड्राइव लेते हैं या फिर गूगल ड्राइव के थ्रू वीडियोस लेते हैं, मैं उन्हें यही सिखाता हूँ कि सर मैंने जो करवा दिया इनफ है। सर आप भगवान हो? नहीं सर, आई एम कहते हैं ना, एक ऐसा बंदा जो हर स्टेप को सोचते हुए आगे बढ़ता है।
मैं वो हूँ, मुझे समझ में आता है सर आईसीआई कैसे पूछेगा क्या पूछेगा। सर आईसीआई को प्रेडिक्ट करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है सर। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। सर पॉसिबल क्यों है? क्योंकि मैं ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेता हूँ, पहली बात। ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि पास्ट ईयर में एग्जाम में आईसीआई क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। थर्ड ये देखता हूँ उसने क्या पूछा नहीं, तो वो भी एक बार करके जाना होता है। ऐसे इसके ऊपर जाते ही नहीं। ये मानता हूँ कि मान लो अगर 7 क्वेश्चन है तो 7 में 1 क्वेश्चन बाउंस करेगा सर, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी बुक में से, आपके इन मजदूर लिस्ट में से ही होने वाले हैं। ठीक है सर, बाकी कड़ी मेहनत आपके हाथ में, आपकी मेहनत आपके हाथ में। सर एक वर्ड होता है स्मार्ट वर्क और एक एक वर्ड होता है हार्ड वर्क। ठीक है, हमेशा जिन भी लोगों से सुनोगे आप यही कहोगे कि हार्ड वर्क जो होता है वो स्मार्ट वर्क को डिफीट कर देता है, लेकिन हार्ड वर्क जो है वो सही डायरेक्शन में करना जरूरी है। डायरेक्शन आपको नहीं पता तो हार्ड वर्क करने का भी फायदा नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 16 घंटे पढ़ते हैं और मैं 5 किताबें पढ़ चुका हूँ सर कॉस्ट के ऊपर, लेकिन मैं पास नहीं हुआ। अरे नालायक, ब्रूसली की कोटेशन नहीं सुनी? एक ही बुक को 5 बार कर ले मेरे भाई, ठीक है, हो जाएगा पास। 5 किताबें पढ़ने के लिए किसने कहा था? तो सर एक डायरेक्शन जो होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। सर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर बाई चांस किसी ने आज तक कॉस्ट की क्लासेस नहीं ली, पेन ड्राइव नहीं ली, कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, नंबर 30 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो सर पेन ड्राइव और वीडियो क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपका सब कुछ पहले से आता है, आपने किसी टीचर से कर रखा है, तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप इस मस्ट-डू लिस्ट को, अगर आपने पहले से सब कुछ आता है, तो 1 से 3 बार जरूर देख के जाइएगा। 60+ का सर प्रॉमिस मेरा है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।